हाय गाइस, वेलकम टू फूडी इलेक्ट्रॉन। आज हम बनाएंगे वेजीज पिज़्ज़ा, तो स्टार्ट करते हैं। हाफ ग्लास वाटर लेंगे, आप मिल्क भी ले सकते हो। अभी हम इसमें 3 चम्मच चीनी डालेंगे। चीनी को हमें इसमें अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से स्टर करें इसको। देखिए चीनी पूरी तरीके से घुल गई है। अभी इसमें हम 1 चम्मच एक्टिविस डालेंगे, आधा चम्मच और डालेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। 10 मिनट तक हमें इसको रेस्ट पोजीशन पे रखना है ताकि हम चेक कर पाए कि इस जो है एक्टिव है या नहीं। देखिए 10 मिनट के बाद ये ऐसे बबल आएंगे यहाँ पे, यही हमें चेक करना है। अभी हम इसमें 150 ग्राम मैदा मिला लेंगे, अच्छे से मिलाएंगे और इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे। अभी हम आटे को अच्छे से गूंदेंगे। आटे को अच्छे से गूंदें ताकि हमारी जो ब्रेड है वो अच्छे से फ्लफी होनी चाहिए, खाने में भी बहुत टेस्टी लगेंगी जितना हम अच्छे से आटे को गूंदेंगे। हम ऐसे फ्लैट वाला जो पतीला रहता है उसके ऊपर निकाल लेंगे ताकि हम आसानी से आटे को गूंद पाए। इसमें हम ऑयल डालेंगे, आप बटर भी यूज़ कर सकते हो। इसको अच्छे से गूंदेंगे, 10-15 मिनट आटे को गूंदे अच्छे से। अच्छे से इसको गूंदे, थोड़ा सा सूखा आटा लेके उसको नीचे रखें और उसके ऊपर डो रखें। इसके बाद हम गीले कपड़े से इसको कवर कर लेंगे 30 से 40 मिनट, आप 1 घंटा भी रख सकते हो, अच्छा होगा। देखिए साइज़ डबल हो गया है। अभी इतना साइज़ का डो ले और इसको अच्छे से रोल कर ले, रोटी जैसे रोल करना है। और ये पैन ऐसा ले जिसमें छेद हो ताकि वो अच्छे से पक पाए। पतीले में इसको डाल दे, अच्छे से इसको फिक्स कर ले। अभी हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे, इसको इवनली स्प्रेड करें, थोड़ा ज़्यादा लगाएं, स्वाद अच्छा आएगा। अभी हम मोज़रेला चीज़ डालेंगे इसके ऊपर, अच्छे से डालें। अभी एक पैन में सॉल्ट डाल के इसको प्रीहीट कर दें 10 मिनट के लिए। इसको अच्छे से कवर करके 10 मिनट तक प्रीहीट करें। इसमें वेजेस डालेंगे, आप अपनी चॉइस की डाल सकते हैं, मुझे कैप्सिकम और कॉर्न पसंद है, नहीं डाल। अभी हम इसको बेक होने के लिए रख देंगे, 40 मिनट तक इसको पकाएं, 15 मिनट हाई फ्लेम, बाद में मीडियम फ्लेम। देखिए हमारा 40 मिनट के बाद पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है, देखो कितना डिलीशियस और फ्लफी दिख रहा है। अभी हम इसकी सीजनिंग करेंगे, ऑरिगेनो और रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे। देखिए गाइस बहुत ही टेस्टी है, आप ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।